सीबीआई ने आज जम्मू कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों में 14 जगहों पर छापेमारी की। सीबीआई ने आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी के आवास पर छापेमारी की है। इसके साथ ही चिनाब वैली प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पूर्व अधिकारियों के आवासों पर भी जांच की जा रही है। नवीन चौधरी और एमएस बाबू चिनाब वैली प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। सीबीआई की टीमों ने जम्मू श्रीनगर दिल्ली मुंबई नोएडा केरल के त्रिवेंद्रम बिहार के दरभंगा सहित 14 जगहों पर दबिश दी। आपको बता दें कि ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के भ्रष्टाचार के आरोपों पर दो अलग अलग एफआईआर दर्ज होने पर की गई है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने एक एफआईआर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जम्मू कश्मीर कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल बीमा योजना का ठेका देने और 2017-18 में लगभग 60 करोड़ रुपए जारी करने के कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। वहीं दूसरी एफआईआर 2019 में एक निजी फर्म को कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों के लिए 2,200 करोड़ रुपए के अनुबंध में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। सीबीआई दोनों मामलों में जांच कर रही है। आपको बता दें कि मेघालय के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि जब वे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तब उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की गई थी। ये पेशकश अंबानी और आरएसएस से संबंध व्यक्ति की दो फाइलों को मंजूरी देने के एवज में दी जानी थी, लेकिन उन्होंने ये डील निरस्त कर दी थी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।